आइए आज की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नमस्कार, मैं आपके साथ अमन त्रिवेदी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीसीपी न्यूज में। कानपुर नगर के स्वरूप नगर थाने के पास अशोक सचान ने कार में बंद करके अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जहां आपको बता दें कि मृतक बर्रा कररही का रहने वाला था और कानपुर में ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे। उसी कार में अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और अपने घर के पारिवारिक कलह की वजह से एक टीवी की बात को लेकर के विवाद था, जहां विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने 2-3 दिन खाना भी नहीं खाया था। और इसी को लेकर उन्होंने एक गार्ड की बंदूक से लेकर कार लॉक करके अपने आप को गोली मार। आप लोग भी सुने स्वर्गीय अशोक सचान के पुत्र की जुबानी। अरे आज केवल बस दो दिन से गुस्से में थे, केवल 2 दिन पे लड़ाई हो गई थी घर में। हमेशा लड़ाई होती रही, मम्मी को मारते रहे, मेरे पापा हमको मारते रहे, लेकिन कभी ऐसे नहीं करें, कभी हमेशा फिर बोलने लगे हैं, 2-3 दिन में बोलने लगे। अंकित बंदूक क्या उठा के लिया घर में? बंदूक थी नहीं मेरे घर में, छोटा था सर, एक कमरा है उसमें, एक जरा खाने पीने की तो दिक्कत है, बंदूक कहाँ से रखेंगे? किस बात को लेकर? बंदूक कहीं से पा गया या गाड़ी में रखी होगी, इनके मालिक में होगी। किस बात को लेकर गुस्सा था? किस बात को लेकर अमन तुम पूछो यार, रोजर दे रहा है। किस बात को लेकर गुस्सा था? अरे खाले अंकल, टीवी केवल खराब हो गई थी, तो मम्मी ने कहा था टीवी क्यों नहीं सही कराते हो, तो उसी पीछे मम्मी थोड़ी बहस करने लगी, एक बार खराब हो गई, गारंटी ली था, तो बस पापा थोड़े गुस्सा आ जाता उनको जल्दी, तो गुस्से में फिर मम्मी को मारने लगे, हमको मारने लगे, टीवी फोड़ने जा रहे थे, तो हमने कुछ नहीं कहा, कुछ कहीं के नहीं ले, 2 दिन से बोल ही नहीं रहे भैया, हम लोग बोल ही नहीं रहे थे कि चाय सुधर जाएंगे, 2 दिन खाना पीना नहीं खाएंगे, तो नहीं बनाए खाएंगे अकेले, तो समझ में आ जाएगा कि अकेले अभी तक कभी बना के नहीं खाए अपने में। बैंक में ये विधान तक बगल में बैंक है, उसी बगल बैंक में ड्राइवरी करते थे, ये वही गाड़ी है लग रहा जिसको गाड़ी चला के लाए।